नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कृष्ण और कौंस। बहुत ही बढ़िया ट्यून है, तो इसके ट्यूटोरियल को हम समझ लेते हैं। ये ट्यून बजाने के लिए आपके लिए फिंगर में थोड़ा सा मेंड के होना जरूरी है, और टेम्पो जितना स्लो बजाओगे उतना बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट कैसे होता है, ये होता है सारे सारे गापा साधा। ओके, फिर से यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, साधा जो है वो पर टू पर का ग्रेस लेके बजाना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, मगर आप देखना। सारे सारे गपा गपा नॉर्मल है, मगर ये हम कंटिन्यू ब्लो करेंगे बाद में। प्रसाद, तो पर से ग्रेस लेके धो पे जा रहे हैं। फिर धप स्पीड में बजेगा, उसके पहले क्या, निध सानी धप निध सानी धप। गरे और गरे ग कैसे छोड़ने, एकदम प्यार से, कैसे ग टू थे मीड में जाएंगे। फिर सारे रे ग साध सागर गरे, सारे रे ग, और यहाँ पे टंग से रे करना है। सारे रे ग साध सागर ग रे सानी द सानी सा, लोअर ऑक्टेव का सानी द सानी सा। तार सब तक से सानी दानी पाग सेम लाइन है, सिर्फ सेकंड लाइन में ग दो बार यूज करना है, तो कैसे होगा सानी दानी पाग। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन सानी दानी पग ग, लुक इट, मगरे रे ग मगरेसा, अभी एकदम स्पीडली होगा सारे सारे दबा मगरेसा। देखो
नहीं जैसे फ्रेज हो जाएगी फिर से पहले स्टार्ट करना। देखो इस तरह से बहुत सिंपल ट्यून है दोस्तों, इसको पहले बहुत बार सुनो फिर आप बजाओ। ये जी शार्प का फ्लूट मैंने यूज़ किया था, आप उसको बजा भी पाओगे और बहुत अच्छा आपको उसको आनंद भी मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।